हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवस अपने की आगे की कड़ी में। अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा उसमें ये सुना कि मास्टर साहब ने बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए उनको विद्यालय में ही हाथ मुंह धुलवाकर स्वच्छ तरीके से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया और बच्चों को साफ सुथरे तरीके से पढ़ने के लिए कहा। आगे जानते हैं कि क्या हुआ उस कहानी में। मैंने सोचा, मैंने इतिहास पढ़ाने की बुनियाद कहानी से डाली है, अब कविता साक्षर की नींव मैं लोकगीत के गायन से डालता हूँ। मैंने बहुत सोचकर ऐसा किया था कि पहले 6 माह मुझे बुनियाद का काम करना है और उसके बाद वाले समय में मुझे विधिवत शिक्षण का भवन निर्मित करना है। विद्यार्थियों के सामने ऐसी कोई नई प्रवृत्ति आती है तो हंसना हंसाना और मनोविनोद तो होता ही है। मैंने लोकगीत की शुरुआत की, आओ देखो मैं गाता हूँ, वैसे तुम भी गाओ। मैंने शुरू किया, कानो काल जड़ानी कोर छे, बहेनी मारो कानो काल जड़ानी कोर छे, पर मेरे साथ कोई गा नहीं सका। मुझे अचंभा हुआ, 4थी कक्षा के लड़के इतना भी ग्रहण नहीं कर सके, पर उनकी ऐसी आदत नहीं थी। मैंने दूसरा गीत गाना शुरू किया, मोर छे मोर मारो छे मोर, मोती चरण तो मारो छे मोर। इस बार उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाया, पर कक्षा के इतने सारे बच्चों ने जैसे तैसे स्वरों में गाना गाया कि पूरी साला में हो हल्ला मच गया। पास की कक्षा के अध्यापक जी आए और बोले, भाई साहब बंद कराओ ना यह आवाज, हमें अपनी कक्षा में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक अध्यापक बोला, इन महाशय जी को तो रोज रोज कोई ना कोई धूतक करना ही पड़ता है, हमारे विद्यार्थियों को सुख से पढ़ाने देंगे या नहीं, तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं, प्रयोग में सफल हो गए तो अधिकारी कहेंगे इस तरह करो उस तरह करो, और यदि सफल नहीं हुए तो थैला बगल में दबाकर कहीं और चल दोगे। हेडमास्टर जी आए, अरे लक्ष्मी राम भाई, क्या यह कोई पोसाल है जो तुम मुहारने की तरह कविताओं को लड़कों से बुलवा रहे हो? देख रहा हूँ ये आपके नए प्रयोग हो रहे हैं, पर इनको तो इन लड़कों के बाप दादा भी जानते हैं। सब चले गए। तब मैंने सोचा, मारे गए भैया, सहगान को अभी एक तरफ रखता हूँ और उसके बजाय गान श्रवण की प्रवृत्ति रखता हूँ। मैंने लड़कों से कहा, खड़े रहना, मैं गाता हूँ और तुम सुनना। मैंने नत घड़ी दे रे सोनारा रे, मारी नत घड़ी दे सोनारा गीत गाया। मेरी राग तो ऐसी थी कि गधा भी मोहित हो जाए, पर राग बेसुरी नहीं थी इसलिए गाना चला अवश्य। मुझे लगा कि मेरी राग सुरीली होती तो कितना अच्छा होता, पर मैंने ढंग से अभिनय के साथ वह गीत गाया। कई लड़कों को अच्छा लगा, पर कई तो आलस मरोड़ने और परस्पर छेड़छाड़ करने लग गए। बाकी चंपक जैसा तो मिचमिची आंख करके मजाक उड़ा रहा था, वह मेरी नजर में था क्योंकि उस जैसों को मुझे ठीक करना था। जिन विद्यार्थियों को गाना सुनना पसंद नहीं था उनसे मैंने कहा, तुम अलग बैठ जाओ, पट्टी पर तुम चाहे तो लिखो या चित्र बनाओ। मैंने दूसरा गाना गाया, आनंद आया, फिर तीसरा गाया, सबसे ज्यादा दूसरा गीत जमा था और उसे बार बार गाया। जैसे जैसे मैं गीत गाता गया वैसे वैसे आनंद बढ़ता गया। लड़कों से मैंने कहा, देखो मेरा गाना सुनना पर गाना मत, साला के परिसर में तो बोलना ही मत। 2 दिन बीते और लड़के नत घड़ी दे गाने लगे, पर मेरा सख्त आदेश कि साला परिसर के बाहर। गाँव के लोग बातें करने लगे, यह कविता किस जात की है? भाड़ा दर्जी बोला, यह तो नवरात्र में भवाई में बोला जाने वाला गाना है। रघा बोला, तब यह मास्टर भवाया होगा या भवाई सिखाने आया होगा। लड़कों की माताएं कहने लगी, इस साला में औरतों के गीत क्यों गवाए जा रहे हैं? पर मैं तो यह सब सुनी अनसुनी कर रहा था, सुनने बैठे तो कान पक जाए और काम भी न चले। हमें तो बस कूदना है, नए क्षेत्र इसी तरह तैयार होंगे। मैं रोजाना लड़कों के सामने नई नई कविताएं गाने लगा और उनको पसंद आने वाली कविताएं नक्की करने लगा। यूं करते करते 10-15 दिन तो कईयों को याद हो गए। हाँ, 2-4 बच्चे ऐसे थे जिन्हें संगीत पसंद न था, वे उस समय लिखते या पढ़ते और मैं उनकी चिंता नहीं करता था। अपने मन में मैंने डांडिया रास को भी शामिल करने की बात सोची थी। इस समय साला में लगभग इस प्रकार काम चलता था, कहानी कहना, वाचनालयी उपयोग, आदर्श वाचन, खेल, डिक्टेशन, कविता श्रावण, स्वच्छता व प्रार्थना। तो इस तरह से मास्टर जी ने अपने प्रयोग में आगे क्या किया,
किस तरह से शिक्षण विधि को सुधारने के लिए और किन किन नए नए प्रयोगों को शामिल किया, आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।